आपके कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक चीज को अगर अपना मकसद बनाते हैं तो हम इनको उसी पर डट जाए, फोकस्ड हो जाए। जी जी बिल्कुल ऐसी है ना। अब ये जो एनर्जी है ना आपके अंदर तब आती है जब आपका कोई मकसद होता है। अगर आपका कोई मकसद नहीं है ना आपके अंदर, वो जुस्तजू वो तलब आएगी ही नहीं जो आपको वो काम करने पे फोर्स करे। ठीक सही है, है आप बिल्कुल। आपका कोई मकसद होना चाहिए। जैसे एक गाड़ी है ना, उसने अपनी मंजिल पे पहुंचना है। अगर उसकी कोई मंजिल नहीं है, उसके अंदर जो पेट्रोल है वो आवारागर्दी में खत्म हो जाएगा। अगर उसकी कोई मंजिल है, पेट्रोल जितना भी है यानी एनर्जी उसकी जितनी भी है, वो उसे मंजिल तक ना भी पहुंचाए लेकिन फिर भी वो उसे उस मंजिल के करीब करीब तक ले ही जाती है। कभी भी आपने अपने मकसद को खोना नहीं है, अपने मकसद को लेके ही चलना है, क्योंकि आपका मकसद ही है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है और आपके अंदर एनर्जी लाता है। आपने कभी सोचा है कि जब हमारा कोई मकसद नहीं होता, हमारा दिल ही नहीं करता कोई काम करने को, हम फजूल बैठे रहते हैं, फजूल बातें करते हैं, फजूल काम करते हैं, फजूल लोगों के साथ फिरते हैं, हमारा कोई मकसद ही नहीं होता तब। और जब हमारा कोई मकसद हो आ जाता है तो हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। सबसे बड़ी मैं मिसाल ये दूंगा कि दो टीमें हैं ग्राउंड के अंदर, दो टीमें हैं, दोनों ने फुटबॉल खेलना है, लेकिन अगर उस ग्राउंड के अंदर दो पोल हो ही ना, वो सुबह से लेकर शाम तक खेल ही जाए, ना कोई जीते ना कोई हारे, फैसला ही नहीं होगा, फैसला नहीं होना। क्यों? उनका मकसद कोई ही मकसद नहीं ही नहीं है, उनका। वो खेलेंगे ही नहीं। मकसद होता है ना कि मैंने ओपोजिट ओपोनेंट को मैंने हराना है, तो जब मकसद ही नहीं होगा तो उनके अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी? तो सबसे पहले जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके अंदर जो है मेन मकसद होना चाहिए, एम होना चाहिए। एम के बाद आपको उसे मैनेज करना है। आपने सोचना है कि ये मेरा मकसद है, मैंने इसे कितने सालों में अचीव करना है, और इन सालों में अगर मुश्किल आएंगी तो कौन कौन सी आएंगी, अगर ये आएंगी उनका ये सोल्यूशन है, इनको मैंने ऐसे सॉल्व करना है, और इस तरह मैंने अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ना है। ये जो अमीर और गरीब लोगों में फर्क क्या होता है, अल्लाह ताला ने तो सबको एक जैसा एक बनाया जैसे ही पैदा किया ना, बिल्कुल, क्वालिटीज भी सबको सेम एक जैसा होती ज्ञान हैं, दिया बिल्कुल। हाथ पांव भी सेम होते हैं, तो जी ये जो डिफरेंस है ये कहाँ से आया? हम ये कह देते हैं कि यार इनके जो है ना बड़े अबाओ जिदाद वो अमीर थे इस वजह से ये भी अमीर। यार क्या वो अमीर थे? वो कहाँ से अमीर थे? पहले वो भी तो गरीब थे, उन्होंने मेहनत की, उनका कोई मकसद था, उन्होंने कुछ अचीव किया लाइफ में, इस वजह से तो उनकी जो बच्चे हैं वो भी अमीर आपकी सोच के मुताबिक। ठीक है, तो ये जो है ना, आपने अपनी लाइफ का जो मकसद है ये कभी नहीं भूलना।